संघर्ष से शिक्षा ली, हर संघर्ष से। और जैसे जैसे उनके जीवन में संघर्ष आए, उन्होंने उनको मजबूत किया। एक दिन जब वो 8 साल के थे और वो निकल रहे थे बगिया से, पास से एक फूल ने उनको खींचा, खुशबू ने, और जाके एक फूल तोड़ लिया। माली ने पकड़ लिया, एक चांटा मारा और जोर से चिल्लाया, वो वहीं रोने लगे। और जो जब से रोने लगे तो फिर माली ने, माली को दया आई, माली ने बुलाया, देखो बेटा तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों डांटा? तुम रो तो रहे हो, ये बात तो ठीक है, मुझे बुरा भी लग रहा है, पर तुमने डांटा क्यों? तुमने चोरी की है। चोरी? मैंने चोरी नहीं की। बोले किसी से किसी की कोई भी वस्तु बिना पूछे उठा लेना, तोड़ लेना, ये चोरी है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांटा मार दिया। उन्होंने गांठ बांध ली कि अब अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा बिना पूछे, है ना। और उन्हें ऐसी गांठ बांधी कि फिर उन्होंने क्या किया, अगर उनके घर के लोगों ने कहा चलो मेला देखने चलते हैं, मेला, तो बोले नहीं, दूसरे के पैसों से मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, जिस दिन मैं अपना खुद का पैसा कमाऊंगा तब जाकर के मेला ठेला देखूंगा, बिना उसके नहीं। और जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई करने के लिए संघर्ष किया, अपने गांव से गंगा नदी को पहले पार करते थे और फिर साइकिल से 16 किलोमीटर की यात्रा करके स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा 16 किलोमीटर की यात्रा करके और पढ़ने जाए तो कितना जुनून उस पढ़ने का, है ना। और जाकर के नदी जब पार करते थे तो सारे कपड़े उतार कर उतार लेते थे और हाथ में ऊपर ले लेते थे कपड़े, नदी के बाहर बैग, स्कूल की जो बुक्स हैं उनको ऊपर ले ली और तैर तैर के निकल जाते थे। एक जो जो उसमें नाव भी चलती थी इस पार से उस पार करने के लिए, और नाविक को भी दया जाती थी इस बच्चे को देख करके कहीं बहना जाए, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ। बोले नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोले कि तुम कोई बात नहीं फ्री में बैठ जाओ। बोले कि नहीं नहीं मैं बैठूंगा नहीं। बोले क्यों नहीं बैठोगे? मैं कहा पैसे मांग रहा हूँ, नहीं है पैसे तो बैठ जाओ। बोले नहीं आपका ये बिजनेस है, धंधा है, और मैं यदि फ्री में भी रोज बैठ जाऊंगा नाव में तो फालतू में नाव में आपकी जगह घेरूंगा, अगर मेरी जगह कोई और बैठेगा तो पैसे देगा, इसलिए मैं आपका नुकसान करना नहीं चाहता, है ना, इसलिए मैं अपने आप चल जाऊंगा। ऐसी सोच रखने वाले तो स्कूल जब जाते थे, स्कूल पहुंचते थे, अब स्कूल में तो सभी तरह के मैनी मैन मैनी माइंड के बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ मस्ती करने वाले भी होते हैं, है ना। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे मस्ती के मूड में हैं, किसी ने कागज निकाला और कागज का मोड़ के रॉकेट बनाया और धीरे से उसको रॉकेट लिया और टीचर के ऊपर मार दिया, वो रॉकेट गया और टीचर के सिर से टकराया। टीचर को बहुत गुस्सा आया, किसने मारा भाई? देखा सब चुप, कौन बोलेगा ना, कोई नहीं बोला। टीचर बहुत गुस्सा आया और वो क्लास डिस्टर्ब हो गई और टीचर अब इस पीछे पड़ गए, मारा किसने पता करने के लिए, सब चुप। 10 मिनट हो गए, क्लास बंद हुए, लाल बहादुर शास्त्री खड़े हो गए। बोले तुमने मारा है? बोले जी सर मुझसे गलती हो गई, मैं मूड मस्ती के मूड में आ गया था और मैंने ये कागज का रॉकेट बनाया और आपके ऊपर छोड़ दिया। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हो? और लाल बहादुर शास्त्री में 4-5 थप्पड़ मार दिए और मारने के बाद बैठ शांति से गई और फिर पढ़ाई चालू कर दी। पर उनने तो रॉकेट मारा ही नहीं था, रॉकेट तो दूसरे लड़के ने मारा था,
अब उस लड़के को गिल्टी फील हुआ कि यार मारा तो मैंने था, इस बेचारे इस बच्चे को जबरदस्ती ये चांटे पड़ गए। और उन्होंने उस लड़के ने जब पढ़ाई पूरी हो गई तो कहा सर रॉकेट तो मैंने मारा था। बोले अरे तुमने मारा था? बोले हाँ। कि उस लड़के ने जबरदस्ती क्या मानो क्या झूठ बोल दिया कि मैंने मारा है। सर ने फिर खड़ा किया, खड़े हो तुमने क्यों कहा कि मैंने मारा है? तुमने भी गलती की झूठ बोल करके कि मैंने मारा है, और मुझसे भी गलती करवा दी कि मैं तुम्हें चांटे मारे। चिल्लाया क्या बोले? वो चार पांच चांटे पड़ गए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और झूठ मैंने इसलिए बोला कि मैं इतनी दूर से पढ़ने के लिए आता हूँ, गंगा नदी को पार करता हूँ, साइकिल चला के 16 किलोमीटर आता हूँ, अब यहाँ रॉकेट के चक्कर में क्लास बंद, मेरा लॉस हो रहा है पढ़ाई का। भाई जिसको नहीं पढ़ना है ना पढ़े, पर मुझे तो पढ़ना है, इसीलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई फिर से पुनः चालू कैसे हो सकती है जो बंद है। मैं ही बोल देता हूँ कि मैंने मारा है, आपने मारे चार पांच चांटे, उसके बाद क्लास तो पढ़ाई, मैंने क्लास पढ़ ली। ऐसा जिन्होंने तो बोले कि इसलिए मैंने कहा कि उनके अंदर एथिक्स था ना, तो कैरियर बनाने के पीछे प्रति लगन थी, जुनून था, तो उन्होंने क्लास पढ़ ली। और ऐसे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने कि उनके जैसा आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जो काम उनने कर लिया वैसा काम कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। भगवान महावीर स्वामी अगर फेमस हैं तो उन्होंने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो। तो अपन देखें लाल बहादुर शास्त्री भी फेमस हैं, उन्होंने भी एक सुंदर स्लोगन दिया था, और वह स्लोगन था जय जवान जय किसान, उन्होंने नारा दिया था। और अपन देखें भाई प्रधानमंत्री, उनका लुक्स जो था, लुक्स कैसा था उनका? दिखने में धोती पहन लियो, कुर्ता पहन लिया, टोपी पहन ली ऊपर से, है ना, सिंपल रहते थे। और लोग बोले प्रधानमंत्री बनाओ इनको, तो लोग हंसी करते थे, इनको प्रधानमंत्री बनाओ, इनको प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री बन भी गए तो प्रेस रिपोर्टर जो आते थे वो उनको देख करके बिहेव अच्छा नहीं करते थे, और लगता था कि किसको बना दिया प्रधानमंत्री यार, ना दिखने में है ना सकल सूरत से लगता है प्रधानमंत्री है, ऐसे ही है। तो उससे जब उसके जो हेटी करते थे लोग रिपोर्टर लोग, तो उनने बेचारों ने वही बंद कर दिया, भैया हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है ना। जब मिस्ट्री में बैठते थे तो वहां के लोग उनकी हंसी करते थे, हंसी मजाक करते थे उनसे बहुत, है ना, मगर किसी को का मालूम था कि ये प्रधानमंत्री के देश के ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नाम करेंगे, दुनिया इनको याद करेगी। डिसीजन पावर जिनके अंदर बहुत बेहतरीन था, ऐसे उन्होंने हमें दिखाया कि देखो कैसे जीना चाहिए, है ना। और जो कि जाकर रूस में जाकर के ताशकंद समझौते में जिनकी मृत्यु हो गई, आज उनका जन्मदिन। तो बड़ा आदमी जो है अपन देखते हैं कि अपन कपड़ों को देख के बड़ा आदमी की कीमत लगाते हैं, कपड़ों को देखकर, गाड़ी को देखकर, उसके मकान को देख करके, है ना। और आचार्य महाराज यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कपड़ों से शरीर की पहचान होती है, गाड़ी से शरीर की पहचान होती है, मकान से शरीर की पहचान होती है, आत्मा की नहीं, आत्मा की नहीं होती।